I am Aarti. I am going to teach Roman numerals for class 3. Students, आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो कॉलम बना हुआ है. फर्स्ट कॉलम में रोमन न्यूमरल्स लिखा हुआ है, सेकंड कॉलम में उसका वैल्यू लिखा हुआ है. तो देखो आप रोमन न्यूमरल्स में जैसे यहाँ पे आई है, ये वी है, एक्स है, एल सी डी एंड एम है. ये सारे का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है. जैसे आई का वैल्यू 1 होता है, वी का वैल्यू 5 हो गया, एक्स का वैल्यू 10, एल का वैल्यू 50, सी का वैल्यू 100, डी का वैल्यू 500 एंड एम का वैल्यू 1. अब स्टूडेंट्स, हम रोमन न्यूमरल्स फॉर्म करने के लिए मैं आपको कुछ रूल्स समझाने जा रही हूँ. रूल्स फर्स्ट है कि टू फॉर्म लार्ज नंबर आई, एक्स, सी एंड एम कैन बी रिपीटेड अप टू 3 टाइम्स. यानी कह रहा है कि आप रोमन नंबर फॉर्म्स करने के लिए, रोमन नंबर बनाने के लिए आप जो है आई को, एक्स को, सी को एंड एम को ओनली 3 टाइम्स ही हम उसको रिपीट कर सकते हैं, 3 के बाद नहीं कर सकते हैं. जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको 30 लिखना है, तो 30 यहाँ पे लिखे तो ये 3 टाइम्स तक ठीक है. लेकिन अगर हम 40 को भी अगर हम ऐसे लिख दे रहे हैं 40, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम रूल्स में देख रहे हैं कि एक्स का यूज हम 3 टाइम्स ही कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं कर सकते हैं. तो आप समझ रहे हैं कि आई, एक्स, 3, एम को हम 3 टाइम्स ही रिपीट कर सकते हैं. तो ये आपका फर्स्ट रूल हो गया. सेकेंड रूल पर है, ये स्मॉलर नंबर गेट्स एडेड टू द ग्रेटर न्यूमरल्स ऑन इट्स लेफ्ट. आप देख रहे हो कि स्टार्टिंग में जो भी है, तो ये भी का वैल्यू यहाँ 5 है, तो ये हो गया आपको ग्रेटर नंबर. और ये आई है, आई का वैल्यू 1 होता है, यानी ये स्मॉलर नंबर. तो यही आपको कह रहा है कि स्मॉलर न्यूमरल्स गेट एडेड टू द ग्रेटर न्यूमरल्स ऑन इट्स लेफ्ट. जैसे आप देख रहे हो इसका वैल्यू 5 है जी का, तो आप 5 दिए, प्लस उसके बाद ये स्मॉलर नंबर आपका हो गया आई, तो आई का वैल्यू 1 होता है, तो 5 + 1 = 6 हो गया. फिर इसी तरह वी आई आई, यानी वी का वैल्यू होता है 5, और ये 2 टाइम्स आई को, ये 1 को किया गया है रिपीट, तो 2 टाइम्स 1 हुआ तो 7 हो गया. तो आपको सेकंड यही बोल रहा है. अब रूल्स थर्ड पे चलते हैं. रूल्स थर्ड बोल रहा है स्मॉलर न्यूमरल्स गेट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रेटर न्यूमरल्स ऑन इट्स राइट. स्मॉलर न्यूमरल्स गेट सब्ट्रैक्टेड, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आई जो है, ये स्मॉलर न्यूमरल्स हो गया, और 5 जो हो गया ये ग्रेटर हो गया. तो आप जानते हो कि हम कभी भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ग्रेटर में से ही करते हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसमें ग्रेटर है 5, तो हम 5 लेंगे. इसके राइट साइड में 5 है, तो हम 5 लेंगे. और आप स्टार्टिंग देख रहे हो कि आई है, यानी स्मॉलर नंबर है, तो हम 5 - 1 करेंगे. ग्रेटर में से हम स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो = 4 हो जाएगा. फिर यहाँ आप देख रहे हो कि ये हो गया ग्रेटर नंबर, ये हो गया स्मॉलर नंबर. तो ग्रेटर हो गया x, तो x का वैल्यू यहाँ 10 है, तो 10, और यहाँ पे है i, तो 10 - 1, क्योंकि इसका वैल्यू होता है 1, तो 9 हो गया. अभी आप देख रहे हो कि ये 9 ही लिखा हुआ है. फिर एक्स एल, तो एक्स का वैल्यू होता है आप देख रहे हो कि 10, और एल का वैल्यू होता है 50. तो आप देख रहे हो कि एल जो हो गया वो ग्रेटर हो गया, और एक्स हो गया वो स्मॉलर. तो ग्रेटर पहले हमको लिखना है, तो ग्रेटर 50 हो गया -10 = 40. अब 40 का एक्स एल का मतलब होता है 40. तो ये आपका हो गया थर्ड रूल. अब रूल फोर्थ पे चलिए. आप देख रहे हो कि ये 10 हो गया, यानी x का वैल्यू होता है 10, तो ये 10 हो गया. i का वैल्यू हो गया 1, तो 1 है ये. v का वैल्यू हो गया 5, यानी इसमें ग्रेटर नंबर को देखना है. क्या कह रहा है, स्मॉलर नंबर बिटवीन टू ग्रेटर नंबर्स. दोनों तरफ जो है ग्रेटर नंबर है, यानी ये x है, यानी ये 10 है, और ये भी 5 है, तो और बीच में क्या है 1 है. तो आप देख रहे हो कि दोनों तरफ जो है सो ग्रेटर नंबर है, और बीच में स्मॉलर नंबर है. तो उसमें क्या करना है हमको कि इसका वैल्यू लिखेंगे 10, फिर उसके बाद जो पहले ग्रेटर नंबर को ऐड करेंगे, तो ग्रेटर नंबर 10 हो गया, फिर 5 हो गया, तो 10 + 5. उसमें से हमको क्या करना है कि स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 10 + 5, और माइनस ये 1 है, तो 1 हो जाएगा. तो 10 + 5 = 50 - 1 = 40. सेम इसी तरह ये भी है, ये हो गया आपको दोनों तरफ हो गया ग्रेटर नंबर, यानी एक्स भी ग्रेटर है और ये दोनों ग्रेटर है, 10 हो गया दोनों. तो 10 + 10 = हो गया 20, और बीच में बिटवीन आपको कह रहा है बिटवीन टू ग्रेटर नंबर्स, तो इसके बीच में एक स्मॉलर नंबर है 1, तो 10 + 10 = 20, और -1 = 9. तो मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आई होगी.
आपको इसी मेथड पे जो है और इसी रूल्स को फॉलो करते हुए रोमन नंबर जो है सो अप टू 20 तक लिखना है। जैसे ये 1 का हो गया तो 2 भी आप 2 टाइम्स को कर सकते हैं, रिपीट 3 टाइम्स भी कर सकते हैं, लेकिन 4 टाइम नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपको 1 से लेके जो है सो 20 तक रोमन नंबर लिखना है।